सो हेलो प्यारे बच्चों, चलिए आज हम चैप्टर 3 का कुछ और भाग कवर करते हैं। ठीक है, चलिए। फाइबर टू फैब्रिक, ये हो गया। एनिमल दैट यील्ड, ऐसे जानवर जो कि ऊन का उपज करते हैं। ठीक है ना, ऐसे जानवर जो उपज करते हैं या पैदावार करते हैं या पैदा करते हैं, जो भी ऊन का ही अक्सर। ठीक है। सेवरल ब्रीड ऑफ सीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ अवर कंट्री। सेवरल ब्रीड यानी कि आप ब्रीड को नस्ल भी कह सकते हैं और प्रजाति भी कह सकते हैं। ठीक है ना, जो भेड़ है, सीप की जो प्रजाति है, वो भारत के लगभग हिस्सों में या सभी हिस्सों में पाया जाता है। ठीक है, डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भारत नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। अच्छा, हमारे देश के भागों में पाया जाता है। ठीक है ना, क्या पाया जाता है? सेवरल ब्रीड ऑफ शीप, शीप की प्रजाति, नस्लें, यानी कि भेड़ की नस्लें। हाउ एवर, अतः द फ्लीस ऑफ शीप इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वूल। अच्छा, भेड़ का ही जो ऊन है वही एकमात्र स्रोत नहीं है। ठीक है ना, जो भेड़ का ऊन है वही एकमात्र स्रोत नहीं है कि भेड़ों से ही केवल ऊन प्राप्त होता है। ठीक है, बल्कि थ्रो, हालांकि वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज शीप वूल, जो ऊन है साधारण रूप से, मुख्यतः रूप से वो बाजारों में उपलब्ध है। किसका? शीप वूल, यानी कि भेड़ का ऊन जो है बाजारों में आमतौर पर उपलब्ध रहता है। वूल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख, जो वूल है वो कॉमन सामान्य रूप से कहाँ मिल जाता है? लद्दाख और तिब्बत में, क्योंकि वहाँ पे इन सब की संख्या ज़्यादा होती है, भेड़ बकरियों की। ठीक है ना, अंगोरा वूल इज ऑब्टेंड फ्रॉम अंगोरा गोट्स, जो अंगोरा वूल है वो किससे प्राप्त होता है? अंगोरा गोट यानी अंगोरा बकरी से प्राप्त होता है। गोट्स, अच्छे हो गया, फाउंड इन हिली रेंज सच एज जम्मू एंड कश्मीर, जो कि, अच्छा, जो अंगोरा प्रजाति की जो बकरी है बच्चों, वो कहाँ पाई जाती हैं? जम्मू और कश्मीर पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक है ना, पहाड़ी, ये हो गया हिली यानी पहाड़ी, रेन वाले क्षेत्रों में, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अंगोरा नस्ल की गोट। ठीक है ना, यानी कि अंगोरा गोट। ऊल इज ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर, जो ऊन है वो गोट यानी कि बकरी के बालों से यानी कि रोए से प्राप्त होते हैं। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट, कश्मीरी जो गोट होती हैं उनके अंडर माने कि उनके निचला जो भाग होता है, वो जो बाल होता है उनका, वो बहुत क्या होता है? सॉफ्ट होता है। क्या होता है? बहुत सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। इट इज वूवन इन टू फाइन शॉल कॉल्ड पश्मीना शॉल। इट इज वो यानी कि उसका जो, ये बता रहे हैं, जो अंडर वाला होता है वो सॉफ्ट होता है, तो उसी का क्या होता है? साल वगैरह, हम लोग, ठंडी तो आ ही गया है, ठीक है ना, साल की बुनाई होती है, अच्छे अच्छे जैकेट बिना जाते हैं। ठीक है ना, अच्छा, साल काल पश्मीना, पश्मीना मतलब ऐसा साल होता है कि जो कि वो ठंडी को, बर्फ वगैरह को काफी हद तक रोकने में सहायक होता है, इसीलिए इसको क्या नाम रखा गया? इसका पश्मीना साल नाम रखा गया है। द फर हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल इज ऑल्सो यूज एज वूल, जो ऊँट होता है, ऊँट के ऊपर जो पीठ पर यानी कि ऊपर बाल होते हैं, हेयर होते हैं, तो उनका भी जो हेयर है, बाल है, वो भी ऊन के ही प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, लामा एंड अल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका आल्सो यील्ड वूल, जो लामा और अल्पाका हैं, ठीक है ना,
आप इनको ये भी कह सकते हैं कि बकरी की प्रजाति आप कह सकते हैं, ठीक है ना। ये कहाँ पाया जाता है, साउथ अमेरिका में पाया जाता है। आल्सो इल्ड वूल, ये भी क्या करते हैं, ऊन का उपज करते हैं, ऊन इनसे प्राप्त होता है। थैंक यू बच्चों।